आत्मसात
दुनिया सब सत आप सत की ना सब सत जिस प्रभु ते सदनी उत्पत जिस प्रभु ते ज्ञान की दृष्टि ज्ञान का चानन मनुख की जो ये दृष्टि साड़ी संसारिक दृष्टि है उसमें बदल देता है। बाहर का चानन सानू वह कुछ दसद सामने जो कुछ सानू नजरी आता है उसकी असलियत अंदर कुछ होर होवे भावे पन सानू पर वही कुछ नजर आता जो सामने हो सकता है। बाहर के चानन की खासियत है पर जो आत्मक चानण है अंदर का चानण है मन का चानण है जिसनों सतगुर पातशाह जी ने आख्या इस पवित्र अष्टपदी के अंदर जो देवी अष्टपदी तुहाडे नाल साझी कर रहे हैं पंजवां छेवां पद पढ़ के सुना है उन्हें सतगुर पातशाह जी कहते ज्ञान का चानण जो अज्ञानता का अंधेरा दूर करता है उहदे नाल मनुख की दृष्टि बदल जाती है मुर्ख का वर्तारा भी बदल जाता है मुर्ख के तौर तरीके बदल जाते हैं। इस संसार के अंदर सब कुछ उही कुछ होता है कई बार कहते हैं कि फलाना बंदा बदल गया फला बंदा बदल गया देखो नहीं तो उही कुछ होता है उसकी शक्ल सूरत भी उस तरह होती ही है वो चलता फिरता भी उस तरह ही है रहता फिरता भी उतरी है घर बार भी सब कुछ वही कुछ होता है पर वह की करते हैं वो विचार बदल गया ख्याल बदल गया। जिस वक्त मनुख के ख्याल बदल दान के ख्याल के अंदर दो तरह बदलते हैं एक ज्ञान नाल एक अज्ञान नाल एक चानण नाल एक अंधेरे नाल। चानण दे विच सप सप है पर अंधेरे विच अरसी भी सप है इस करके अंधेरे दा ते चानण दा दोवां दा आपस च ख्याल जिहड़ा मिल नहीं सकता इस करके सतगुर पातशाह जी ने इस पवित्र अष्टपदी दी आरंभता कीती कहिंदे ने ज्ञान अंजन गुरु दीआ अज्ञान अंधेरे विनाश। हुण जदों अज्ञानता दा अंधेरा विनाश हुंदा है ते ओह की करदा है सतगुर पातशाह जी फरमान करदे ने इस पंजवें ते छेवें पद कहिंदे ने आप सत या सब सत जानण हो गया अज्ञानता दूर हो गई हुण जानण दे अंदर दिसदा पिया हुण अज्ञानता विच नहीं गल्लां करदा हुण अंधेरे विच नहीं देख रहा हुण जानण विच देख रहा ते जानण भी ओह वेख रहा जिस जानण ने अंदरले नूं जानण कीता सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहते हैं उस दे नाल उस मनुख को कहने जिस प्रभु ते सगली उत्पत उसमें वह प्रतीत होने लग पैदा है भी उस मालिक तो ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है उस मालिक को है तो इसलिए तो है पर सानू ऐसा नहीं लगता क्योंकि असं उस चानण च नहीं जीते असं इस चानण जीते हैं जिहड़ा बाहरला चानण है। यह चानण केवल ते केवल साढ़े थोड़ी देर का चानण है बाहर का चानण है इस करके यह चानण सानू दूर तक साड़ी दृष्टि ने लैके जाता अखां भी साड़ियां वेखदियां ने पर साड़ियां अखां कितनी दूर तक वेखदियां ने कोई 100 गज कोई 200 गज कोई 400 गज असीं होर कोई साधन वरत लईए अज दे उहनां नाल होर भी दुराडे देखिया जा सकता है पर एक सीमा ऐसी आ जाती है जिथे जाके मनुख नूं दिसणा बंद हो जाता फिर कहिंदा नहीं इस तो नहीं दिसता पर जो ज्ञान का चानण है वह मनुख को अपने जीवन के अंदर हर मोड़ के उत्ते जीवन के हर पड़ा के उत्ते उस सब कुछ नजरी दिखाता है। जड़िया चीजा अज्ञानता के अंधेरे में सानू ठोकर मारदिया ने जिन्हों असी ठोकर खाते हैं जो ज्ञान का चानण होता है सतगुरु पातशाह जी कहते उन्होंने ठोकर नहीं खाती क्योंकि ज्ञान भी करता है जानण करता है। जो सतगुर पातशाह जी फरमान कहते हैं आप सत की आ सब सत इस प्रभु से उस वाहगुरु को सगली उत्पत्त सबुत भी बने
किस भावे करे विसार उस जो चंगा लगता है जो उसका मन करता है जो उसकी मन की खुशी होती है वो सारे विस्तार पैदा कर देता है सारा संसार पैदा कर देता है जिस भाव है तो मुड़ के फिर की करता है एक अंकार एक रूप फिर बदली हो जाता है उस सारे सारे समेट के एक हो जाता है इसे करके सतगुरु धन गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहते अलग कला लखी ना जाए उस मार्ग की है अलग कला जी ये नहीं लखी जा सकती ये जी अनेक प्रकार की कला उस वाहगुरु के अंदर है इसनों कहना कथना किसी मनुख के बस में नहीं फिर हूं जो मनुख इस प्रकार के नाल अपना जीवन बतीत करता है कमर निकल कमर गई है दूर हूं यह सब पासे रब है हर थान के उत्ते रब है हर जरे में रब है हर थान के उत्ते रब वसद हूं कि मनुख एक इस गल का दावेदार हो सकता है कि मैं रब के नेड़े हैं तो दूजा रब दूर दूर है क्योंकि तो सब का बसला पाया रब सब जगह बसता हो गए तो हूं मैं किसी का दावेदार होव भी फलाना दूर है तो मैं नेड़े हाँ कमल डिग तो कमल कही है दूर ने सब का मुद्दे हाथ ना बसता पे इस करके जिस वक्त भी नेड़े होगा तो जिस वक्त भी दूर होगा ये भी नेड़े तो दूर नहीं हो सकता है पर जिस वक्त भी दूर होगा वह भी कुछ कारण होगा जिस वक्त भी नेड़े होगा वह भी एक कारण होगा उसका कारण सतगुरु पातशाह जी ने धन गुरु नानक साहब पातशाह जी ने जपजी साहब आख्या कहते हैं कर्मी आपो अपनी के नेड़े के कहते अपने कर्मा करके वो नेड़े भी हो सकते हैं अपने कर्मा करके दूर भी हो सकते वो नेड़े ही है सदा डाल कमल डिग कमल कही है दूर केड़ा दूर है केड़ा नेड़े है इस करके सतगुरु पातशाह जी ने आख्या कहने लगे वो जरा अकाल पुरख वाहगुरु है आपे आप रहा प्रभूर सब थां दे उत्ते प्रभूर है कहिंदर अंदर गत जिस आप जनाए नानक तिस जन सोझी हुण बालक इस पौड़ी के अंदर सानू समझा रहे ने वह की कर रहा है जिस वक्त वह अग्ञानता का जानन देता अग्ञानता का अनेरा दूर करता है अंतरगत उस मनुख को जानन की सोझी देता अंतरगत जानन की अपने अंदर जानन की बाहरली दुनिया में सब कुछ जानते हैं बड़ा कुछ जानते हैं जे किसी मनुख को पूछ के वेखे मैनू भी कोई पूछे तेरे अंदर की है मैनू को पूछे तेरे अंदर की है दूसरा दूजे को सवाल करे तेरे अंदर की है बंदा पजल हो जाएगा दसण में असमर्थ हो जाएगा वो सोच ही पैजेगा मैं की दसा मेरे अंदर की है उन सोचना जी सोच शक्ति है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी मैं की दसा मैं की है मेरे अंदर की है वो कई पास का ध्यान जाएगा बाकी नहीं मेरे अंदर हड्डिया ने मांस है मिंज है चर्बी है खून है यही कुछ दसेगा पर इसे तक रसाई तां होगी अंतरगत जिस आप जनाए तां होगा कि मन को जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण जी अपने मूल की पहचान हो जाएगी फिर आखिर नहीं मैं उस मालिक का मूल हाँ मैं उस मालिक की आक्षा हाँ बाबा कबीर जी ने इसे करके पुकार किया कि कहो कबीर हम रानु की अंश बाबा कबीर जी ने पूछा होगा किसी ने कहा तुम कौन हो तो जवाब दिता होगा उन्होंने कहो कबीर हम राम की अंश मैं राम की अंश क्यों क्योंकि अंतरगत जिस आप जनाए उन्होंने अंतरगत सब कुछ जना दिता भी सब कुछ आप वर्तारा उसका वर्त रहा सारे पास इस करके उसनों आप भी दिसन लग पे हम अंतरगत उसनों अपना नजरी आया जो जो अंदर की अपनी तस्वीर नजर आई अंदर की तस्वीर यह सी जो सतगुरु गरीबन वाज पातशाह जी कहने हूँ जो अंदर की तस्वीर ने यह सामने वर्तारा किया कहना सर्वभूत आप वर्तारा बार भी उसको वही भी वर्तारा दिस लग पे जो मेरे अंदर सीगा कोई बार भी दिसन लग पे सर्वभूत आप वर्तारा सब पासे उस वाहिगुरु का वर्तारा होता रहा सर्व नैण आप वेखण हारा कहते हूँ सारे नैणा विचों ओ ही वेख रहे जो कुछ वेख रहे हैं हूँ जेड़े भी नैण वेखते हैं उ वेखते हैं जेड़ा कुछ वेख्या जाता है उही वेख्या जाता है कहते सगल समगरी जानका तना ये तन कहते ना असि तन शरीर कहते जितनी समगरी है ना जो कुछ सारा संसार है यह वाहिगुरु का शरीर है बस जो कुछ भी है जिम्मे सा शरीर बनया हो छोटा जहा आकार है उस वाहगुरु के आकार को वेखना हो उस परमेश्वर के आकार को वेखना हो धन गुरु अर्जन साहब कहते सगल समगरी जानका तना जितनी भी समगरी है जो संसार बने यह सारा उसका एक तन है आपन जस आप ही सुना अपना जस वो अपने तना राही आप ही सुनता है
ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਐਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਝਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੇ ਮਦ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਹੋ ਕੇ, ਲਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਪਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਜਾਣਾ, ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਚ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਲਿਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੇ ਮਗ ਅਲਿਪਤ ਰਹੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੇ, ਆ ਗਿਆ ਆਵੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਮਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਆਵੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਬਲਾਏ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੇਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅਦਾਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਚਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੰਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕੀਰਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। Oh,